संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि हर हर शंभु 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 शिव महादेवा शंभु 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 शिव महादेवा हर हर शंभु 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 शंभु। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोहित वीरू ब्लॉग। और हम आ गए अपने ससुराल में अपने बाबूजी के पास और यहाँ पे भागवत का कथा हो रहा है और अभी स्टार्ट होने जा रहा है फ्रेंड्स। तो बाबूजी चल रहे हैं पूजा पर बैठने और मैं चल रही हूँ किचन संभालने, ठीक है। और यहाँ हमारे देवर जी हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं है? ये मेरे सरकार महोदय हैं, ये भी चाय का आनंद ले रहे हैं। ये बीरू, बीरू को तो आप लोग जानते ही है। हाँ, ये मिठाई का आनंद ले रही है। और ये मेरा मोही है, सावी अभी सोई है, छुटकी अभी सोई है, जब उठेगी तो उसको भी दिखाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं किचन में, बाकी जो होता है वो दिखाते हैं आप लोग को दिन में, ठीक है। चलिए मम्मा, अब बाहर चले, चलिए बाहर। जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जिसके फलस्वरूप हमें कथा श्रवण करने को मिल रही है। रात्रि के सत्र में हम आप कथा श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने किस प्रकार से लोगों का उद्धार किया और चलते चलते हम लोग जो है भगवान ऋषभ देव के चरित्र की चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान ऋषभ देव कौन है तो कहा ये भी जो भगवान के 24 अवतार हुए उन 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान ऋषभ देव का है। भगवान ऋषभ देव ने एक बार अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को बुला करके उनको जो है केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। अगर आप ये मान के चलते हो कि शरीर का केवल धर्म खाना पीना सोना और संतान उत्पन्न करना है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। देखिए, खाना पीना और संतान उत्पादन करना यह एक पशु भी करता है, लेकिन मनुष्य योनि यदि आपको प्राप्त हुई है तो यह योनि सामान्य नहीं है, इसका कोई ना कोई विशेष प्रयोजन है। तो विशेष प्रयोजन क्या है कि हम जीते जी इसी योनि में परमात्मा का हम भजन करें और भजन कर करके भगवान को हम प्राप्त करें। तो हमको क्या है कि भगवान की सेवा करनी है, पाए हुए अतिथि का सत्कार करना है और अपने जीवन की जो दिनचर्या है उनको इतना व्यवस्थित बनाएं कि हमारे जीवन की गाड़ी भी चलती रहे और भगवान का भजन भी होता रहे।
अब इसको मैं दूसरे हिसाब से बोलता हूँ, भगवान का भजन होता रहे और जीवन की गाड़ी चलती रहे, ठीक है ना। जीवन की गाड़ी चलती रहे, भगवान का भजन होता रहे, दोनों में अंतर हो गया ना। वाक्य तो एक ही शब्द है लेकिन बोलने में अंतर है। भगवान का भजन होता रहे और जीवन की गाड़ी चलती रहे, ये किसकी सोच है? कहा ये संतों की सोच। बादल भी तेरे पर्वत पे लगे, शैया तेरी हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको जब होने दो चरणों खो के पानी से, बहुत खुश है मेरे आस कि प्रभु के काम आए। और फिर मंथन हुआ तो उसमें अनेक प्रकार की जो है औषधियां निकली, ऐरावत घोड़ा निकला, लक्ष्मी जी निकली, और अंत में क्या निकला? अमृत निकला। जब अमृत निकला तो अमृत को लेकर के देवता और दैत्य में आपस में खींचतान शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। फिर जो है भगवान ने जो है मोहिनी का अवतार लिया, और मोहिनी अवतार जब भगवान लिए तो उन्होंने अमृत का जो है क्या किया, वितरण किया, और वो देवताओं को ही मिला, दैत्यों को तो मिला नहीं। वो फिर लेकर के भगे, क्या है लंबी कहानी है। जहाँ जहाँ वो अमृत की छींटे पड़ी वहाँ वहाँ कुंभ लगता है। इस प्रकार से जो है भगवान ने समुद्र मंथन करके जो है क्या किया, राम जी कहा कि देवत्यों और समुद्र मंथन कराया। एक ये जो है भागवत में जो समुद्र मंथन हुआ उसमें भी विष निकला। अयोध्या की राज सत्ता रूपी समुद्र का मंथन हुआ, तो अयोध्या की जब राज सत्ता का मंथन हुआ कि राज्य किसके पास रहेगा, तो उसमें भी विष निकला। तो यहाँ जो फ्रेंड्स बाहर भागवत चल रहा है, अंदर किचन में फाफड़ के आटे की रोटी बना रहे हैं। ये है फाफड़ के आटे की रोटी और ये है कद्दू की फलाहार सब्जी। सब लोग जो तो इसी का प्रसाद खाएंगे। और मैं बना रही हूँ दिन का खाना, आप लोग को भी खाना है तो मोस्ट वेलकम इन गोरखपुर पादरी बाजार। मोस्ट वेलकम इन पादरी बाजार गोरखपुर। फ्रेंड्स देखिए सर बना रहे खाना, धूप आ रही है अच्छी से, मस्त धूप आ रही है, अंदर लाइट भी जल रहा है, धूप भी आ रही है। चरण की धूल ले लूं मेरे भगवान आए, ठीक है हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन
जनक किशोरी युगल छवि को सदा ही निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जन जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को मैं सदा पखारूं, उन चरणों को मैं सदा पखार। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा मैं तो हृदय में उतारूं, राम कथा को मैं हृदय से उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, उन चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकृतं पुष्पैः देवाय वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। जल गिरा करके हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के जिसको जो इच्छा चाहती थी वो अपने आप प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार के राम जी का राज्यकाल चला जा करके, और कहते हैं कि जानकी जी ने राम जी को अपने बस में कर लिया था। कहा कैसे बस में कर लिया था? कहा दिया हिया च भाव क्या सीता भरतुर हरन मना। राम जी को जानकी जी ने अपने बस में कर लिया था। कैसे बस में का? धी माने होता है बुद्धि, धी माने बुद्धि, और हिया हिया ही माने लज्जा, ही माने लज्जा। और एक चीज आपको बड़ी भावपूर्ण बता रहा हूं, सुनो, हर स्त्री को अगर ये गुण आ जाए तो उसका पति उसके बस में हो जाएगा। बहुत से लोग आते हैं कुंडली लेकर दिखाते, कहते वो हमारी बातें नहीं मानते। हमने कहा क्या? कहा महाराज कोई उपाय बता दो कि हमारा पति हमारे बस में हो जाए। हमने कहा हमारे पास है उपाय, बताएं आपको। कहा कि हम तो बहुत खुश हैं लेकिन हमारी बात नहीं मानते हैं, अपनी मन की करते रहते हैं। तो हमने कहा शायद हो सकता है तुम ही ना बात मानती हो।
ऐसा भी तो हो सकता है। तो कहा जानकी जी ने राम जी को अपने वश में कर लिया था। भागवत लिखती कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, धिया धिया च भावाज्ञा, ये जो भावाज्ञा है इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। दाम्पत्य का सुख, पति को वश में सुख करने का सुख इसी में छिपा हुआ है। कहा क्या, धी माने बुद्धि, एक तो बुद्धिमान हो, ही माने स्त्री के अंदर लज्जा होनी चाहिए। अगर स्त्री के अंदर लज्जा समाप्त हो गई तो वो स्त्री नष्ट हो जाती है। लज्जा अगर स्त्री का आभूषण है, कहा कि एक श्लोक है, नीति का श्लोक है, अभी मेरे को याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, आधा याद आ गया आधा पीला याद आता है, मैं बताता हूँ। लज्जा जो है